लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं काफी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा आप लोगों को कि बहुत सारे बच्चे इतना बताने के बावजूद भी फॉर्म भरने में गलतियां कर रहे हैं, तो ये गलतियां को आप लोग नहीं करेंगे। फॉर्म को देख के सही से भरिए, नहीं तो ये मत सोचिए कि हम गलती कर दें तो एडिटिंग के समय हो जाएगा, तो उसके लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे, उसके लिए कोई दूसरा आदमी जिम्मेवार नहीं होगा। इसलिए अगर आप किसी कैफे में फॉर्म भरने के लिए दे रहे हैं तो सामने में रह के भरवाइए, अच्छे से चेक कीजिए, या तो खुद से मोबाइल से अच्छे से देख के भर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम बात कर रहे थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था ग्रेडियंट निकालने के लिए, तो उसी तरीके से आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव के ऊपर। आगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है, टारगेट किया गया है कि आप लोगों को कि वैसे वैसे सिर्फ सवाल या वैसे वैसे टॉपिक करवाए जाएंगे जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। उसमें लिखा हुआ है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, आगे डिफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। द कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट एफ, यानी कि ग्रेडियंट तो कल हमने निकालने के लिए आपको सिखा दिया था। ग्रेडियंट एफ इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यानी कि क्वेश्चन में एक तरफ हमको वेक्टर का भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इज नोन एज डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए यहां से कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी वेक्टर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, सबसे पहले आपको फंक्शन तो दिया हुआ रहेगा, जिस फंक्शन से आप क्या निकाल लेंगे, पहले ग्रेडियंट निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक वेक्टर दिया हुआ रहेगा, उस वेक्टर की सहायता से आप उसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फाइंड कर पाएंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, डेल एफ, ये डेल एफ का मतलब क्या जानते हैं, डेल एफ को सर ग्रेडियंट कहते हैं, ग्रेडियंट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए, यानी कि ए इसको क्या कहते हैं, डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए, कहते हो कि ए इसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए होता है। ये फॉर्मूला को ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स वाई जेड, यानी कि फंक्शन जो हमको दिया हुआ है, दिया हुआ एक्स वाई क्यूब प्लस वाई जेड क्यूब एट द पॉइंट 2-1-1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i प्लस 2j+2k। तो यहां से आपको समझना है कि आपको फंक्शन दे रखा है, सर ये फंक्शन f का वैल्यू दे रखा है, जबकि आपको पॉइंट जो है कि एक पॉइंट दे रखा है 2-1-1 दिया हुआ है, उसके बाद आपको निकालना डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में निकालना है, वेक्टर i प्लस 2j+2k के वेक्टर में निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डेल एफ, डेल एफ यानी कि ये निकालते हैं, डेल का मतलब क्या होता है, डेल बटे डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बटे डेल वाई जे कैप प्लस डेल बटे डेल जेड इनटू के कैप, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए जो इक्वेशंस दिया हुआ है, इस इक्वेशंस की सहायता से, यानी कि अगर आप डेल एफ निकालोगे तो इसके लिए हम क्या सिखाए थे, फर्स्ट में क्या करना, एक्स वाला का डिफरेंशिएशन करना है। तो यानी कि सब जगह अगर फंक्शन दिया तो सब जगह फंक्शन लिख देते थे, डेल एफ डेल एफ डेल एफ लिख देते। तो यहां से देखिए एक्स है क्या, सर एफ इक्वल टू हमको तो दे रखा है एक्स वाई क्यूब प्लस वाई जेड क्यूब, तो सर इसमें एक्स नहीं है तो कोई मतलब नहीं होगी, यहाँ सर एक्स है, ये एक्स खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, वाई क्यूब इंटू आई कैप प्लस, उसके बाद क्या बचेगा, सेकेंड में जाएंगे बीच वाले टर्म में जब जाते हैं तो हमें क्या करना है, y का डिफरेंशिएट करना है, तो y देखा जाए तो दोनों टर्म में है, तो y का डिफरेंशिएट करेंगे तो x हमारा क्या रह जाएगा, कॉन्स्टेंट रह जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 3y² प्लस यहां से जेड क्यूब कॉन्स्टेंट रहेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा y, यानी कि यहां से हमारे पास आ गया है 3xy² प्लस जेड क्यूब इंटू जे कैप। उसी तरीके से लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, के वाले टर्म का डिफरेंशिएट कर, यानी कि जेड वाले टर्म का डिफरेंशिएट करते हैं। तो कैसे होगा, तो जेड कहाँ है, सर ये दिया हुआ है हमारा एक्स वाई क्यूब प्लस वाई जेड क्यूब, इससे कोई मतलब ही नहीं होगा, सर ये वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, क्या हो जाएगा, 3z², यानी कि 3yz² k। ये चीज हो गया। अब यहां से देखा जाए, आपने ये क्या फाइंड कर लिया, ये आपने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया, ग्रेडियंट निकल गया, तो ग्रेडियंट जो निकला देखिए आई जे और के के फॉर्मेट में आ गया, क्योंकि आपको निकालना क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, जो कि किसके फॉर्मेट में निकालना, किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के फॉर्म में निकालना है। तो हम जानते हैं डेल एफ
डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए होना चाहिए, यानी कि यहां से हो जाएगा y क्यूब i प्लस 3xy स्क्वायर प्लस z क्यूब 3x स्क्वायर प्लस z क्यूब इनटू j कैप प्लस ये क्या हो जाएगा 3yz स्क्वायर k कैप और डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a, a बराबर क्या होता है वेक्टर a जो दिया हुआ उसको लिखना है। देखो अब यहां पर ये कैपिटल i कैपिटल j कैपिटल k ये जो है ना कि थोड़ा सा डीप करके दिया हुआ था, ये मतलब वेक्टर दिया हुआ है ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं यहां से सबको स्मॉल कर लेते हैं या कैपिटल लिख के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको i प्लस 2j प्लस 2k, अब बटे में देखिए क्या लिखा हुआ है, बटे में लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ a, मॉडुलस का मतलब क्या होता है i का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, j का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, k का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। तो लिख दिए, तो अब देखिए क्या करना, i को i के साथ मल्टीप्लाई, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, यानी कि y क्यू यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास y क्यू प्लस देखिए ये कितना हो जाएगा 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब और प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3, यहां से ये चला आएगा 3y z स्क्वायर और यहां से 2 से गुणा होगा तो 3 टू कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 6। अब सबके मन में चल रहा होगा कि सर i j और k कहां गायब हो गए, क्योंकि हम पढ़ा भी चुके हैं आपको i डॉट i इक्वल टू 1 होता है, j डॉट j इक्वल टू 1 होता है और k डॉट k इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ये चीज आपको सिखा रखे हैं। तो अपॉन में देखिए क्या हो जाएगा, अपॉन में सर 44819 यानी कि सर इससे 3 बाहर निकल जाएगा। तो अब देखा जाए इसमें चूंकि आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो था आपने निकाल लिया, तो किस पॉइंट पे निकालने के लिए बोला गया आपको, तो सर यहां से पॉइंट दिया हुआ है 2 -1 1, तो ये आप क्या पढ़े, ये x का वैल्यू होता है, ये y का और ये z का वैल्यू होता है, जहां जहां जो वैल्यू मिलता है वहां पुट कीजिए। सर यहां y क्यूब है, क्या हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2 वाई स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर प्लस z यानी कि क्या हो जाएगा यहां से 1 का क्यूब, इसका कहानी खत्म हो गया, प्लस 6 इंटू वाई का वैल्यू कितना है माइनस 1 और जेड स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 3। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, माइनस 1 का क्यूब कितना होता है माइनस 1, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 टू जा कितना होगा 6, 6 प्लस 1 कितना होगा 7, 7 टू जा 14 और प्लस ये कितना हो जाएगा प्लस और 6 1 जा 6 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस, आज माइनस हो गया। अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखा हुआ है 3, तो देखिए 6 1 7 यानी कि 6 कितना हो गया 7 हो गया, माइनस 14 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 7 यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा 7/3 आ जाएगा।